हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी इंडियन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सबकी ऑल टाइम फेवरेट बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, कस्टर्ड आइसक्रीम। इस आइसक्रीम की खास बात यह है कि बिल्कुल भी इसमें आइस नहीं जमेगी, बहुत ही ज्यादा क्रीमी और सॉफ्ट टेक्सचर की आइसक्रीम बनेगी, जैसे मार्केट से लेके आते हैं ना सेम वैसी। इसलिए मैं आपको बहुत ही इजी मेथड के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आइसक्रीम बनाना। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध को गर्म करूंगी। आप दूध कच्चा पक्का कैसा भी ले सकते हैं, नॉर्मली जैसे हम दूध को उबालते हैं वैसे ही सेम तरीके से उबालना है। यहाँ दूध में उबाल आ गई है, दूध को हम 10 मिनट तक और पकाएंगे। साथ के साथ जो किनारे हमारी मलाई आती जा रही है उसे भी हम दूध में मिलाते जाएंगे, इससे आइसक्रीम में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब तक दूध पक रहा है तब तक हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिए है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मिलाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। गरम दूध बिल्कुल भी ना लें, गरम दूध से लम्स पड़ सकते हैं। लम्स फ्री कस्टर्ड तैयार है। चलते हैं दूध की तरफ। लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड को दूध में डाल के मिलाते जाएंगे। सारा एक साथ ना डाल दें, इससे लम्स पड़ सकते हैं। दूध को लगातार चलाते रहेंगे हाई फ्लेम में, लगभग इसे 5-6 मिनट तक और पकने देंगे। फिर इसमें हम 1/2 कप चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चीनी को डालने के बाद दूध को लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक और पकने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध काफ़ी अच्छी तरीके से गाढ़ा हो गया है। यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और दूध को हम अच्छी तरीके से ठंडा होने देंगे। फिर यहाँ पर हम एक एयर टाइट कंटेनर में आइसक्रीम को ट्रांसफर कर देंगे। फिर इसे हम 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। लगभग 7-8 घंटे हो गए हैं। आइसक्रीम को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइसक्रीम बढ़िया तरीके से जम गई है, पर अभी हमारी आइसक्रीम पूरी तरीके से नहीं तैयार है। आइसक्रीम को और भी स्मूद और फ्लफी बनाने के लिए आइसक्रीम को मिक्सर जार में डाल के एक बार हम आइसक्रीम को फिर से चला लेंगे। ऐसा करने से आइसक्रीम और भी ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी बनेगी। आइसक्रीम को फिर हम उसी कंटेनर में डाल के 8-9 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि आइसक्रीम प्रॉपर तरीके से फिर से हमारी जम जाए। 9 घंटे हो गए हैं, हम आइसक्रीम को फिर से चेक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आइसक्रीम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जम गई है। आपको मैं आइसक्रीम काट के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्मूद और क्रीमी बनी है। आइसक्रीम को डीमोल्ड करने के लिए किसी बड़े बर्तन में पानी ले लीजिए, फिर आइसक्रीम के कंटेनर को 1 से 2 मिनट के लिए उसमें रख दीजिए और आइसक्रीम हमारी डीमोल्ड आसानी से हो जाएगी। फिर आइसक्रीम के ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आप कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक टूटी फूटी, चेरीज, नट्स, कुछ भी जो आपको पसंद हो। यहाँ पर मैं आपको आइसक्रीम काट के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्मूथ बनी है। और आप चाहें तो 10 मिनट के लिए आइसक्रीम को फ्रीजर में रख दीजिए, आइसक्रीम और बढ़िया सेट हो जाएगी। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।